हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मेरा बर्थडे, जो कि पिछले ब्लॉग में मैंने बता चुकी हूँ कि आज है मेरा बर्थडे। तो आप लोग इतने विशेष करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, और इतने प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अब प्लीज मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। बहुत दिल से थैंक यू। तो यहाँ पे हम केक लेने आए हैं, और इस बार बाहर ही हम लोग बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को बोल रहे थे और प्लानिंग किए थे बाहर चलने के लिए, बट मैंने ही मना कर दिया क्योंकि अभी ज्यादा ठंडा पड़ रहा है और छोटा बच्चा है और स्कूल भी है, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम करूंगी। नहीं किट्टू का थोड़ी बर्थडे। हाँ वो भी ले दीजिए। सच में बहुत अच्छा लगता है जब अगर ऐसे हस्बैंड मिले। सभी लड़की को बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। इनको तो बहुत मन था कि बाहर मैं अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूं, बट नहीं, मैंने ही माना किया कि नहीं नेक्स्ट टाइम करूंगी। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा को देखना, तो अभी ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए, मैंने ही मना कर दिया कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस सिर्फ केक कटिंग करना और बाकी कुछ नहीं। यहाँ केक मिल गया, बहुत टेस्टी केक था गाइस, सच में बहुत टेस्टी था। तो भैया को मैं थैंक यू बोलूँ, बहुत अच्छा केक था। और यहाँ पे बहुत मस्ती किए हम लोग, हम और हस्बैंड और सतीश भैया और श्वेता, बस हम लोग चार ही जन आए हैं, बाकी कोई नहीं आए क्योंकि ठंडी का टाइम था। और ये ड्राइवर को फोन किए थे कार निकालने के लिए, तो ड्राइवर था नहीं इसलिए, और मम्मी को बाहर का सामान खाना भी नहीं था तो इसलिए नहीं आए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सारा चीज, सारा फैमिली साथ में रहेंगे। और यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं केक का। यहाँ से पेमेंट होने के बाद डायरेक्ट हम लोग जाएंगे होटल, पता नहीं वो भी ओपन है, खुला है, नहीं है, पता नहीं। हम लोग दो यहाँ, और यहाँ मैंने केक ले लिया। और प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के 1K व्यू ला दो प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरा बर्थडे, इतना तो आप लोग कर सकते हो ना प्लीज। तो यहाँ पे मैंने केक ले लिया और मैं अभी जा रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा शेयर कीजिए, पूरा लाइक कमेंट शेयर पूरा कीजिए। और यहाँ पे हम लोग भाई बहन एक साथ है, और मामा भगना भगनी बेटा एक साथ है। वो बोल रहे तुम लोग जाओ भाई बहन अपना बर्थडे मना लो, तो हम लोग बोल रहे ठीक है ठीक है, हम लोग जा रहे हैं साथ में बर्थडे मना के खा पी के आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट, खाना ऑर्डर हो रहा है क्योंकि भैया बोले कि मैं बंद करूंगा, आप लोग जल्दी जल्दी ऑर्डर, ठंडी की वजह से बहुत जल्दी सारे शॉप बंद हो जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे खाना ऑर्डर हो रहा है, और ऑर्डर हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये दोनों लोग को देखिए जो हमको अभी तक कुछ गिफ्ट नहीं मिला है। श्वेता हमको दी है, मेरी बहन ने बहुत अच्छा चॉकलेट दी है, ये भी कुछ नहीं दिया है, जितना चॉकलेट मिला ये सब खा गया। ये मेरे भाई है, ये भी कुछ नहीं दिए है, ये मेरे हस्बैंड ही तो और कुछ भी नहीं दिए है। और बताइए मेरे साथ क्या हो रहा है। और अभी जो हम आ रहे हैं, हम अपने तरफ से पार्टी दे रहे हैं, अपना पैसा से केक लिए, अपना पैसा से खाना खाएंगे, उल्टा जमाना है। यहाँ पे केक प्लेट में निकाल के भैया ला दिए हैं, तो अभी खाना भी उधर ऑर्डर हो चुका है। तो पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते, उसके बाद खाना भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे केक कटिंग कर रही हो, सो प्लीज आप लोग पूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए।
मेरा पसंद है ना पसंद है। हम पहले ही मामा को बोले ढेकी मम्मा मम्मा की चॉकलेट चाहिए। चलो कोई बात नहीं वीडियो बनाने दो और मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि मैं स्टैंड लेके नहीं जा पाती हूँ और नेक्स्ट टाइम से मैं स्टैंड लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेरा काम है। जब तक मैं हार्ड वर्किंग नहीं करूँगी जब तक कुछ नहीं होगा, तो इस टाइम से नेक्स्ट टाइम से मैं अपना स्टैंड लेके जाऊँगी साथ में। और यहाँ पे दोनों जनाब को देखिए अपना सेल्फी ले रहे हैं और जो क्या होते मज़ा यहाँ पे मिला हुआ मज़ा को कह रहे हैं वाइन है, तो इन लोग का अलग ही दुनिया है। और यहाँ पे सच में खाना बहुत टेस्टी था, रियली में खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो भैया को थैंक यू और बहुत अच्छे से सर्व किए और हम लोग यहाँ पे खाना इंजॉय करो, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और मेरा किट्टू मस्त है, अच्छे से अपने से खा लेता है, उसको खिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता। अरे आई होप ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।